India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। ज्ञानव्यापी परिसर पूरी तरह हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली याचिका की 30 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी रोजाना सुनवाई। वाराणसी सिविल जज ने दिए निर्देश। निवास के प्रमाण पर जोर दिए बिना यौन कर्मियों को मिलेगा आधार कार्ड। सुप्रीम कोर्ट ने यूआईडीएआई को दिए निर्देश, कहा पहचान उजागर ना हो। रेप के आरोपी राजस्थान के जल मंत्री के बेटे रोहित जोशी को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से किया इंकार। दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 साल के बच्चे के हत्यारोपी को किया कहा आरोपी की फरारी को अपराध का सबूत नहीं माना जा सकता। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या यूआईडीएआई को निवास के प्रमाण पर जोर दिए बिना यौन कर्मियों को आधार कार्ड जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर्स की पहचान उजागर ना हो। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करना उसका मूलभूत अधिकार है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को उन्हें वोटर आईडी और राशन कार्ड जारी करने का निर्देश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या यूआईडीएमआई को यौन कर्मियों को आधार कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या एनएसीओ में राजपत्रित अधिकारी या स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ओर से दिए गए प्रोफार्मा प्रमाणन के आधार पर यौन कर्मियों को आधार कार्ड जारी करें। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए एस बोपन्ना ने यूआईडीएआई से ये सुनिश्चित करने को कहा कि आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में यौन कर्मियों की गोपनीयता बनी रहे। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करना उनका मूलभूत अधिकार है। इससे पहले दरबार महिला समन्वय समिति की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने पीठ को अवगत कराया कि यौन कर्मियों को निवास के प्रमाण के बिना आधार कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं। यूआईडीएआई की ओर से दिए हलफनामे में सुझाव दिया गया था कि यौन कर्मी जो नाकों की सूची में हैं और आधार कार्ड के लिए आवेदन करते हैं लेकिन निवास का प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उन्हें आधार कार्ड जारी किया जा सकता है बशर्ते कि नाकों में राजपत्रित अधिकारी या राज्य का स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रोफॉर्मा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए जिनके विवरणों की पुष्टि वो कर रही हो। पीठ ने कहा कि हर व्यक्ति को उसके काम के बावजूद गरिमा के साथ व्यवहार किए जाने का अधिकार है और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यूआईडीएआई ने पहले सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया था कि पहचान के प्रमाण पत्र पर जोर दिए बिना सेक्स वर्कर को आधार कार्ड जारी किया जा सकता है बशर्ते कि वो एनएसीओ के गजेटेड ऑफिसर या संबंधित राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभाग के गजेटेड ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वो उन सभी यौन कर्मियों को किसी पहचान के प्रमाण पत्र जोर दिए बिना सूखा राशन प्रदान करें जिनकी पहचान नाको द्वारा की गई है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को
उन्हें वोटर आईडी और राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय हो कि उक्त सिफारिश लगभग एक दशक पहले यौन कर्मियों के लिए एक न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा की गई थी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सितंबर 2011 में निर्देश पारित किए गए थे, लेकिन इसे लागू किया जाना है। याचिका में पूरे भारत में 9 लाख से अधिक महिला और ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर के लिए राहत उपायों की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ज्ञानव्यापी में मुस्लिमों को प्रवेश रोकने और ज्ञानव्यापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने साथ ही पूजा की मांग वाली याचिका की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। वाराणसी सिविल कोर्ट ने यह फैसला लिया है। बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन से सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र पांडे की अदालत में केस स्थानांतरित कर दिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसकी सुनवाई की तारीख 30 मई निर्धारित कर दी है। ज्ञानवापी मसले पर वाराणसी अदालत ने एक अहम आदेश दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई है। अब इस पर 30 मई को सुनवाई होगी। सिविल जज ने निर्देश दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोज सुनवाई हो। बुधवार को वाराणसी के सिविल कोर्ट में ये फैसला लिया गया। हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने और पूजा की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई हुई, ट्रांसफर किया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट में, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो जज साहब हैं आज वो कहीं एंगेज है, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाए, जिस कारण से मंडे की डेट रखी गई है। मंडे को हम तत्काल पूजा की एप्लीकेशन पे प्रेस करेंगे, डिमांड करेंगे कि व्हाट एवर बी द एजुडिकेशन, हाउ मच टाइम इट विल कंज्यूम वी विल नो, वी विल डोंट नो एट दिस स्टेज, तो तत्काल प्रभाव से पूजा शुरू कराई जाए, इसको लेकर के मंडे को आर्ग्यू करेंगे। वाराणसी जिला कोर्ट में चल रहा ज्ञानवापी का मामला दूसरा है। उस पर 26 मई यानी कल सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इस अलग मामले को लेकर मंगलवार को याचिका दायर की गई थी। ये याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी और विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल हुई थी। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने और ज्ञानवापी में तत्काल प्रभाव से पूजा पाठ राग भोग दर्शन की मांग की गई है। याचिका में उठाई गई मांगे हैं, ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री को रोका जाए, ज्ञानवापी परिसर पूरी तरह हिंदुओं को सौंप दिया जाए, भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले, मस्जिद के गुंबद को गिराया जाए। सराहनीय कदम है, स्वागत करने योग्य है। न्यायालय भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस विवाद का अंत हो। देखिए आज ये केस ट्रांसफर कर दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय आज कहीं और व्यस्त हैं, माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं है, और 30 मई की डेट सुनिश्चित हुई है इस मामले की सुनवाई के लिए। आज कोर्ट में फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसकी सुनवाई 30 तारीख को होगी। हमारी मांग, पहली मांग ये थी कि ज्ञान परिसर में हिंदू मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो। दूसरी मांग ये है कि हिंदुओं को ज्ञान परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। तीसरी, जो बाबा विश्वेश्वर वहां पे प्रकट हुए हैं उसकी नित प्रतिदिन पूजा पाठ का मतलब अनुमति मिले, यही मांग। इससे पहले ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों की बातें सुनी। अब अगली सुनवाई 26 मई को होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज कराने का निर्देश दिया है। अब कल तय होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले को सुना जाना चाहिए या नहीं। मंगलवार को वाराणसी जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने कहा था कि नागरिक प्रक्रिया संहिता CPC के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता पर सुनवाई होगी। सुनवाई की अगली तारीख 26 मई को तय की गई। मुस्लिम पक्ष से जज ने सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति भी मांगी है। इससे पहले वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एडवोकेट अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। याचिका में दलील दी गई है कि मुसलमान किसी भूखंड पर मस्जिद का दावा करते हुए कोई अधिकार नहीं जता सकते, जब तक कि इसका निर्माण कानूनी रूप से स्वामित्व और नियंत्रण वाली पवित्र जमीन पर नहीं किया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक और याचिका दाखिल की गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि ये एक्ट विदेशी हमलावरों द्वारा ध्वस्त किए गए धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के अधिकार को लेने के लिए कोर्ट जाने पर रोक लगाता है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि सन 1192 और सन 1947 के बीच विदेशी हमलावरों द्वारा हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध अनुयायियों के सैकड़ों धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया और कईयों को अपने धार्मिक स्थलों के रूप बना दिए गए। सरकार द्वारा 1991 में इस कानून को बनाकर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया गया, जिसे असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। तिथि के पूर्व जिस गुलामी के हालात में हमारे देवस्थान थे, वह हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जिसका नाम दिया गया स्पेशल प्रोविजन एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से 1991। इसे हमने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, इसकी धाराओं को चैलेंज किया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुसलमानों के बीच तलाक के हसन की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई देने से इनकार कर दिया। तलाक के हसन वो प्रथा है जिसके द्वारा एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को महीने में एक बार 3 महीने के लिए तलाक शब्द कहकर तलाक दे सकता है। पत्रकार बेनजीर हिना द्वारा अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में ये घोषणा कराने की मांग की गई कि ये प्रथा असंवैधानिक है, क्योंकि ये तर्कहीन, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन है। वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की अवकाशलीन पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। उसने जल्द से जल्द लिस्टिंग की मांग की, क्योंकि पति ने 19 मई को दूसरा नोटिस भेजा था। हालांकि बेंच ने यह कहते हुए जल्दी लिस्टिंग देने से इच्छुक नहीं दिखाया, क्योंकि तत्कालीनता नहीं है और याचिका पर गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई की जा सकती है। हालांकि आनंद ने कहा कि छुट्टी खत्म होने तक तलाक का तीसरा नोटिस जारी किया जाएगा। बेंच ने आनंद को अगले हफ्ते एक वेकेशन बेंच के सामने मामले का जिक्र करने को कहा। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके पति ने 19 अप्रैल को एक वकील के माध्यम से तलाक के हसन नोटिस भेजकर उसे कथित रूप से तलाक दे दिया था। तब उसके परिवार ने दहेज देने से इनकार कर दिया था, जबकि उसके ससुराल वाले उसे उसी के लिए परेशान कर रहे थे। जनहित याचिका में लिंग और धर्म, तटस्थ प्रक्रिया और तत्काल के आधार पर दिशा निर्देश मांगे गए हैं। याचिका में कहा गया कि इस प्रथा का दुरुपयोग किया जाता है और क्योंकि केवल पुरुष ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भेदभावपूर्ण भी है। राजस्थान के जल मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहित जोशी को दुष्कर्म के आरोप से जुड़ी जांच पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। हाईकोर्ट इस मामले पर 26 जुलाई को सुनवाई करेगा। दुष्कर्म की जांच पर रोक लगाने की मांग को लेकर रोहित जोशी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं जांच पर रोक लगाने से इंकार करने पर रोहित की तरफ से पेश वकील मोहित माथुर ने कोर्ट से अनुरोध किया कि कम कोर्ट उन्हें अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल करने की अनुमति दे, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत दाखिल करने की अनुमति दे दी है। रोहित की तरफ से दलील दी गई है कि 0 FIR दर्ज करने के बाद जब मामले को सवाई माधोपुर भेजने की बात कही गई, तो फिर पुलिस ने दोबारा कैसे FIR दर्ज की। उन्होंने अदालत से मामले की जांच पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से ASG संजय जैन ने कहा कि मामला दिल्ली के एक होटल का है और जांच भी अभी प्रारंभिक स्तर पर है। ऐसे में अगर जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया गया तो जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए जांच पर रोक ना लगाई जाए। पीड़िता ने FIR रिपोर्ट में बताया कि मंत्री के बेटे रोहित जोशी ने नशीला पदार्थ पीकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि जब वो गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करा दिया गया। पीड़िता ने मारपीट और रेप का भी आरोप लगाया है। राजस्थान में इससे पहले विधायक जौहरी लाल के बेटे पर भी दुष्कर्म का आरोप लग चुका है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आवारा कुत्तों के टीकाकरण की मांग वाली एक जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वो याचिका में उठाए गए मुद्दों पर अपना दिमाग लगाए और अगले 6 हफ्तों में एक स्पष्ट और सुविचारित रुख के साथ सामने आए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि शहर में आवारा कुत्ते उपेक्षित हैं। आवारा कुत्तों की देखभाल न केवल जानवरों के जीवन के प्रति सम्मान दिखाने के उपाय के रूप में करना आवश्यक है, बल्कि इसलिए भी कि इसका शहर में मानव आबादी पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। अब इस मामले की सुनवाई 4 नवंबर को होगी। अधिवक्ता राहुल मोहित द्वारा दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि शहर में केनाइन डिस्टेंपर रोगों के लिए कुत्तों का टीकाकरण करने के लिए कोई उचित तंत्र नहीं है, ये बीमारी जानलेवा है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि आवारा कुत्तों और जानवरों के टीकाकरण और उपचार के लिए शायद ही कोई बुनियादी ढांचा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि जो भी बुनियादी ढांचा उपलब्ध है वो खराब है और कोई हेल्पलाइन भी नहीं है जिस पर नागरिक जानवरों की मदद ले सके। उन्होंने ये भी मांग की कि पशु कल्याण और स्वास्थ्य तंत्र पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति का गठन किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से पेश स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि ये दिखाने के लिए कोई शोध नहीं है कि ये रोग भारत में जानवरों को प्रभावित करते हैं और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बीमारी को ठीक करने के लिए पर्याप्त है। अब वंदे मातरम का मुद्दा कोर्ट में पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा दिया जाए। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा, 6 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना है। अगली सुनवाई के लिए 9 नवंबर 2022 की तारीख तय की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि वंदे मातरम का भारत की आजादी के संघर्ष में बड़ा योगदान है, इसलिए इसे जनगणमन के बराबर दर्जा मिलना चाहिए, जिस पर जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय को नोटिस भेजा है। याचिका में कहा गया है कि वंदे मातरम और जनगणमन दोनों को सभी स्कूलों में प्रार्थना के दौरान बजाया जाए, कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि भारत राज्यों का संघ है, न कि राज्यों का परिसंघ है। यहाँ केवल एक नागरिक है, वो है भारतीय, और इसलिए ये हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो वंदे मातरम का सम्मान करे। देश की अखंडता बनाए रखने के लिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वंदे मातरम और जनगणमन को प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाए। कोई कारण नहीं है इससे किसी की भावनाएं आहत हों, क्योंकि ये संविधान निर्माताओं ने तय किया था। सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि याचिका पब्लिसिटी पाने के लिए दायर की गई है। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मामले की लिस्टिंग होने से पहले ही उपाध्याय मीडिया में इस पर बातें कर रहे थे। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि मेडिकल खर्च के लिए मुआवजा प्रतिपूर्ति का मामला है और इसलिए एक बार बीमा कंपनी द्वारा सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को मेडिकल खर्च के लिए क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लेने के बाद मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक बार फिर से इसका दावा नहीं किया जा सकता। जस्टिस टीका रमन की पीठ ने इस प्रकार व्यवस्था दी कि चिकित्सा पॉलिसी कवरेज के तहत बीमा कंपनी द्वारा सीधे अस्पताल को भुगतान की गई राशि को मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण द्वारा घायलों को मुआवजे की गणना करते समय कम किया जाएगा। यह आदेश बीमा कंपनी टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के द्वारा चिकित्सा व्यय के रूप में 9,08,954 रुपये दिए जाने के फैसले की अपील के खिलाफ कर दिया गया। अपीलकर्ता ने दलील दी कि ट्रिब्यूनल ने फैसले में एक त्रुटि की है, क्योंकि इससे बीमा कंपनी द्वारा घायलों को मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत पुनर्निवेशित 4,00,000 रुपये की राशि पर विचार नहीं किया था। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अस्पताल को पहले ही राशि का भुगतान किया जा चुका है और इसे फिर से देने के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दोहरा मुआवजा हो जाएगा। अदालत के फैसले पर भरोसा जताया और दलील दी कि मेडिक्लेम पॉलिसी कटौती योग्य नहीं है और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के दावे के तहत दोबारा हासिल करने योग्य नहीं होता। कोर्ट ने अपीलकर्ताओं की दलीलों से सहमति जताई। कोर्ट ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती पेट्रिसिया जीन महाजन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी ध्यान दिया, जिसमें इसने निम्न प्रकार की व्यवस्था दी थी। कोर्ट ने कहा कि मूल याचिकाकर्ता द्वारा अस्पताल को जो भुगतान नहीं किया गया उसे मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक दावे में मुआवजे के रूप में नहीं दिया जा सकता। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि किसी आरोपी की फरारी अपने आप में उसके अपराध को स्थापित नहीं करती है।
और आईपीसी की धारा 302 के तहत हुई दोष सिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया। खंडपीठ 10 साल के लड़के की हत्या के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ पारित दोष सिद्धि के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर फैसला सुना रही थी। यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता के लड़के की मां रसीदा के साथ अवैध संबंध थे। आगे तर्क दिया गया कि बच्चे ने अपने पिता को अवैध संबंधों का खुलासा किया था और अपीलकर्ता ने उसके खिलाफ शिकायत की थी। कार्यवाही के दरमियान अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता घटना के तुरंत बाद मस्जिद से गायब हो गया था और गांव नहीं लौटा और अपीलकर्ता को बाद में पंसकुरा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने इसके लिए यूसुफ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और माना कि ये एक स्थापित कानून है कि किसी अभियुक्त की अनुपस्थिति अपने आप में उसके अपराध को स्थापित नहीं करती। ये भी नोट किया गया कि मृतक के पिता ने शुरू में अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की थी और कुछ दिनों के बाद ही संदेह की वजह से अपीलकर्ता को मौजूदा मामले में फंसाया गया था। न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और अपीलकर्ता बरी करने के आदेश का हकदार है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप।